हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज है दिन संडे का और हम आ चुके हैं जामा मस्जिद, क्योंकि हम आज यहां पर ट्राई करेंगे यहां का डिलीशियस फूड और आपको भी एक फूड टूर देंगे बहुत अच्छा, और हमारी कुछ रिकमेंडेशंस भी होंगी आपके साथ। तो अभी हम फिलहाल जामा मस्जिद मेट्रो से एग्जिट कर चुके हैं और आप देख सकते हैं जामा मस्जिद हमारे सामने ही है। और दोस्तों ये रहा जामा मस्जिद का गेट नंबर 1 और हम अब एंट्री कर रहे हैं यहाँ की फेमस फूड स्ट्रीट के अंदर। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है क्योंकि यहाँ पर स्ट्रीट्स बहुत ज़्यादा बिजी है। आपको सुनाई दे रहे होंगे तेज तेज हॉर्न, तो मैं वो ठीक करने के लिए हो सकता है वॉइस ओवर कर दूँ, लेकिन ऐसे में ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, तो मैं मोस्टली ब्लॉग ऐसे ही बनाऊंगा। और एक बार आप नज़र डालिए कितनी ज़्यादा बिजी स्ट्रीट्स हैं यहाँ पर, जहाँ तक आप देखेंगे आपको लोग ही लोग दिखेंगे। लेकिन हम जिस जगह पर जा रहे हैं उसका नाम है अल ज़हरा, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही डिलीशियस अरबिक फूड मिलता है और हमको वो ट्राई करने की बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन हो रही है क्योंकि रील्स बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है वहाँ की। तो हम सोच रहे हैं कि हम भी एक बार जाकर ट्राई करें और आपको ऑनेस्ट रिव्यू दें कि उसका टेस्ट कैसा है। एंड गाइस देखिए रास्ते में हमको कौन मिले, ये अंकल बहुत ज़्यादा फेमस है और इनका सीधा सीधा मुकाबला है KFC वाले अंकल से। अगर आप यहाँ पर आए हैं तो आपका क्या कहना है कि ये अंकल KFC वाले अंकल को टक्कर दे सकते हैं? वैसे ये बहुत ज़्यादा फेमस है और इनका फूड बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन आज हमारी मंजिल कुछ और है तो हम आगे चले गए। एंड गाइस जामा मस्जिद के गेट नंबर 1 से थोड़ा सा आगे चलकर हम आ चुके हैं अल ज़हरा। गाइस अभी हमने एंट्री कर दिया है और हमने अपना ऑर्डर भी दे दिया है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि हमने क्या ऑर्डर दिया है। हमने ऑर्डर करा है ये अल्फाम चिकन और ये ग्रिल फिश, और उसकी प्रिपरेशन मैं आपको दिखा दूंगा जब वो प्रिपेयर होगा। फिलहाल अभी आप मेन्यू देख सकते हो और आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आ सकते हो। दोस्तों देखिए हमारा ऑर्डर आ चुका है और ये है अल्फाम चिकन, यहाँ का बहुत ज़्यादा फेमस। प्रिपरेशन आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ये यहाँ की ग्रिल्ड फिश, और अभी मैं आपको टेस्ट रिव्यू दूंगा। वैसे अरोमा इसका बहुत ज़्यादा बढ़िया है और टेम्पटिंग लग रहा है फूड देखने में काफ़ी ज़्यादा। अब टेस्ट करके बताते हैं आपको कि कैसा लग रहा है। सबसे पहले हम लेंगे चिकन, और ये तो गिर गया आप लोगों को। ये है प्याज और ये चटनी लगा के बहुत ज़्यादा बढ़िया, और इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। टेंडर चिकन है बिल्कुल, और थोड़ा सा डिफरेंट है और चिकन से। तंदूरी चिकन वगैरह सबने ट्राई करा होगा, लेकिन अगर आप चिकन लवर है तो आप यहाँ पर ज़रूर आना। चिकन मेरी तरफ से पूरा पूरा रिकमेंडेड है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। अभी हम करेंगे फ़िश ट्राई। ये है यहाँ की ग्रिल्ड फिश, फिश भी बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रही है। वैसे मेरे को फिश इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, मैं फ़िश कहीं पर भी ऑर्डर नहीं करता हूँ, बट ये सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। अभी मेरे को बोलना बड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि मेरे मुंह में पानी आ रहा है इसको देखकर। और ये मुझे बहुत दिनों से इंस्टाग्राम पर ना फिश सेंड कर रहे हैं, बोल रहे हैं मुझे लेकर चल जहाँ पर फिश मिलती हो। तो ये फिश आपको कैसी लग रही है? बिल्कुल परफेक्ट जैसा मैं सोच रहा था, बिल्कुल वैसी बढ़िया लग रही है। वैसे मुझे फिश पर्सनली थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगी, और चिकन भी काफ़ी डिफरेंट है, इसकी प्रिपरेशन डिफरेंट है। तो
चलो अब फिनिश करते हैं। सो गाइज अभी हो चुकी है थोड़ी सी शाम और हमने कर दिया एग्जिट। फूड इतना ज्यादा सेशिएटिंग था, पहले हम मंदी मंगवाने वाले थे, वो एक तरीके की डिश होती है, उसके नीचे जो हमने डिश मंगाई थी सेम उसके नीचे एक राइस की पतली सी लेयर और ऐड हो जाती जो कि काफी ज्यादा फीलिंग हो जाती है। अभी हम इतना ज्यादा भूख हमारी मिट चुकी है और काफी ज्यादा पेट भर चुका है, बहुत हो जाता वो चावल हो जाता, लेकिन हम आए जामा मस्जिद और हमारा पेट कितना भी ज्यादा भर गया हो हम ट्राई करेंगे मोहब्बत शरबत जरूर यहाँ का, क्योंकि मुझे वो काफी ज्यादा पसंद है। जैसे आप यहाँ से एग्जिट करेंगे ना तो साइड में ही है जस्ट, लेकिन हम अपोजिट चले गए थे गलती से तो इसलिए हमको चलना पड़ रहा है। बहुत बढ़िया शरबत, मुंह से पीना था ना तुमको, तुमने मुंह से क्यों नहीं पिया? दुआ कैसा लग रहा है? बढ़िया बढ़िया भाई, शरबत मोहब्बत आज देख ले, आज देख धुआं धुआं इसके नीचे, गरम गरम लग रहा है। इसके नीचे आपने ड्राई आइस डाली है भाई? हाँ जी, हाँ जी, ड्राई आइस मोहब्बत डाली है। बड़े स्मार्ट लग रहे हो मगर आप। अच्छा सच में शर्मा गए भाई। भाई बर्तन कैसा लग रहा है तुम्हें? बहुत ज्यादा बढ़िया लग रहा है, और मैं नीचे भाई की आईडी डाल दूंगा, मैं इधर फॉलो करो भाई को। शरबत मोहब्बत मजा नहीं बिना नो मनी। हाँ फोन देख रहे हो भाई का? भाई फोन दिखा रहे अपना। देखो दोस्तों मोहब्बत शरबत तैयार होते हुए और इसमें जादू डल रहा है। शरबत मोहब्बत पीते मोहब्बत हो जाएगी 101%। शरबत फ्री बस मोहब्बत के पैसे हैं। चलो सही है, लेकिन मोहब्बत के पैसे तो लगते नहीं है, मोहब्बत तो फ्री होती है। मोहब्बत पैसों में होती है। अच्छा ये सच्चाई है। चलो दोस्तों चलते हैं यहाँ से। चलो भाई बाय बाय, मिलते हैं, टाटा। मजा आ गया इनका शरबत पी के, शरबत बहुत बढ़िया था। आजकल नया अकाउंट इन्होंने बना लिया है, शरबत वाला नहीं इनका पर्सनल अकाउंट है, उसमें ये बहुत सारी चीजें अपलोड करते हैं। लोग उल्टे सुलटे कमेंट करते हैं लेकिन ये बहुत प्यारे प्यारे रिप्लाई करते हैं, लोगों को बहुत हम्बल है पर्सन, तो इसलिए मुझे इनसे मिलके मजा आया। भाई हम कर रहे हैं एग्जिट और हम देखो कितनी सारी भीड़ में फंस चुके हैं। भाई भीड़ से क्या दिक्कत है तेरे को? भीड़ से यार भीड़ से दिक्कत ये है ना कि मैं जब रिकॉर्ड करता हूँ तो जब मैं चलता हूँ तो मैं आगे नहीं देख पाता, मैं फोन में देखता हूँ। ये देख, ये देख, अबे गलत है, हो रही है तो अभी कुछ ऐसा सीन हुआ है ना जो मैं आपको दिखा नहीं सकता। दिखा भाई मगर बहुत ही, अरे कुछ नहीं आप कभी देख नहीं सकते। अरे नहीं भाई दिखा दे। मतलब भाई बहुत ही अलग ही बस क्या मैं भूल गया था कि क्या बात हो रही थी वो सीन देख के। लेकिन मुझे भीड़ से ये दिक्कत है कि मैं जब चलता हूँ और तो मैं फोन में देखता हूँ क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग करता रहता हूँ, लेकिन जब भीड़ ज्यादा हो जाती है तो मेरे को आगे देखना पड़ता है, जिससे कि मेरा आई कांटेक्ट ब्रेक होता है जो कि अच्छा नहीं लगता मेरे को, क्योंकि फिर मैं आगे देखूं या आपको देखूं, आगे देखूं या आपको देखूं, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो अभी मैं यहां से निकल जाता हूं, फिर आपसे बात करूंगा, क्योंकि आप देखो देखो समझ रहे हो ना बात को आप। तो गाइज अब हम आ चुके हैं मेट्रो स्टेशन। आज का दिन बहुत ज्यादा अच्छा था, मुझे पता है काफी सारे लोग मुझसे कमेंट में पूछने वाले हैं कि रेस्टोरेंट कैसा था। रेस्टोरेंट दोस्तों बहुत ही ज्यादा अच्छा था और वहां पर बिल्कुल ऑथेंटिक अरेबिक फूड मिल रहा था। जो डिश आज हमने ट्राई करी वो मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई करी थी और मैं उसको एकदम 10/10 रेटिंग दूंगा, काफी ज्यादा टेस्टी थी और सेशिएटिंग था फूड काफी ज्यादा। और आपको ब्लॉग कैसा लगा कमेंट पे जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। बाय दोस्तों, प्लीज कीप सपोर्टिंग।